हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड चौथा और आखिरी ओडीआई जो कि होने वाला है लॉर्ड्स में। इंग्लैंड सीरीज अब 2-1 से लीड कर रही है और ये फोर्थ ओडीआई होने वाला है 15 सितंबर को शाम में 5 बजे से। तो दोस्तों, पिछले गेम में क्या हुआ, वी सॉ द बेन स्टोक शो। 182 इन्होंने बनाए, डेविड मलान ने 96 स्कोर करे, ट्रेंट बोल्ट का फाइफर था। जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो कोशिश करी काफी ग्लेन फिलिप्स ने रन्स बनाने की, बट देन वी आल्सो हैड क्रिस वोक्स जिन्होंने 3 विकेट छटकाए। विकेट्स मिली रीस टॉपली को भी और लिविंग स्टोन भी कहीं ना कहीं से आगे 3 विकेट लेकर गए। मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स अपनी टीम में थे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हमने वीडियो में डिस्कस करा था। ये सारी चीजों के बारे में हमने बातें करी। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर गेम में क्या सिनेरियो होता है, बिकॉज मैच अब होने वाला है लॉर्ड्स पर। दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आपके सामने है। यहाँ पर चेंजेस हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट पॉसिबली हो सकता है कि डेविड मिली को फिर से मौका मिल जाए इस गेम में खेलने के लिए, बट इनके अलावा और कोई चेंजेस नहीं कर रहे। देख सकते हैं कि क्या जॉनी बेस्टो को फिर से मौका मिलेगा और विल वी सी जेसन रॉय कमिंग इनटू द फोल्ड। न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपके सामने है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो पिछले गेम में नहीं खेले उनमें है टिम साउदी, मिचेल सैंटनर भी नहीं थे, और देखते हैं हम क्या इनको अब मौका मिलता है इस गेम में। याद रहे, इस गेम के बाद न्यूजीलैंड की टीम चली जाएगी बांग्लादेश अपना गेम खेलने के लिए एंड इंग्लैंड की टीम सामना करेगी आयरलैंड का। बात करें इस वेन्यू की तो लॉर्ड्स लंदन में ये मैच होने वाला है और पिछले 5 गेम्स जो यहाँ पर हुए हैं, टीम बैटिंग फर्स्ट 4 बार जीती है और टीम चेस करते हुए केवल 1 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 270 का। रन आप एक्सपेक्ट कर लेना, और इस सीरीज में हमने देखा भी है तीनों जो ओडीआई हुई थी तीनों में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करी है। आप देखोगे अगर इनके टोटल्स भी तो पिछले गेम में 368 बनाए, उसके पहले साउथैम्पटन पे वैसे भी लो स्कोरिंग गेम था वो तो 226 वहां बने, और पहली गेम में हमने देखा था कार्डिफ में इन्होंने बनाए थे 291। तो उम्मीद करना इंग्लैंड की बैटिंग फिर से आती है यहां पर, तो रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यदि न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो आपके लिए भी एक अलग सिनेरियो हो जाएगा जो आपने ये पूरे बायलैटरल सीरीज में एक भी बार नहीं देखा। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है ओवर स्पिनर्स। स्ट्राइक रेट अगर आप देख लो पेसर्स की तो 28.4 की है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 5 ओवर में वो 1 विकेट लेते हैं, जबकि स्पिनर्स की स्ट्राइक रेट रही है 45.2 की, मतलब 45 बॉल्स पे ये 1 विकेट ले पाते हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। बात कर लेते हैं अभी इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की इस ऑनगोइंग बायलैटरल सीरीज की, तो कुछ प्लेयर्स 3 गेम खेले हैं, कुछ गेम प्लेयर्स 2 गेम खेले हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। बेन स्टोक्स पिछले गेम की अपनी मैमथ इनिंग के बाद अब 3 इनिंग में बना चुके हैं 235 रन। 182 की पारी हटा दो तो लगभग 50 रन ही थे इनके पहले 2 गेम में, तो इससे खाली आप स्वेयर अवे मत होना। बात करें सेकंड हाईएस्ट रन गेटर की तो वो है लियाम लिविंगस्टोन जिन्होंने 3 इनिंग में बनाए 158। डेविड मलान के नाम है 2 इनिंग में 150 रन जिसमें 250 इन्होंने स्कोर करी है। जॉर्ज बटलर के नाम है 3 इनिंग में 140 रन। बात करें इनके बॉलर्स की तो रीस टॉपली 3 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं। विली के नाम है 2 इनिंग में 4 विकेट। क्रिस वोक्स के नाम है 2 इनिंग में 3 विकेट। लियाम लिविंगस्टोन के नाम है 2 इनिंग में 3 विकेट एंड मोइन अली भी 2 इनिंग में 3 विकेट अब पिक कर चुके हैं। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स की तो इनके लिए लीडिंग रन गेटर रहे हैं डैरन मिचेल जो कि पिछले गेम में फेल हुए, बट ओवरऑल 3 इनिंग में 192 रन है इनके नाम जिसमें 150 और 100 शामिल है। डेवॉन कॉनले ने भी एक सेंचुरी मारी 3 इनिंग में, अब इनके नाम है 134 रन, बट वो सेंचुरी अगर हटा दो तो केवल 23 रन है इनके बाकी 2 इनिंग में। थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है वो इनकंसिस्टेंट सा हो चुका है और देखते हैं क्या इस गेम में फिर से वो फायर करते हैं कि विल वी सी वंस अगेन अ स्लो स्कोरिंग इनिंग्स फ्रॉम डेवॉन कॉनले। ग्लेन फिलिप्स 2 इनिंग में 74 रन है इनके नाम। विलियन के नाम है 3 इनिंग में 74, जो कि अच्छे टच में लगे हैं इस सीरीज में अब तक। अनफॉर्चुनेट रहे कुछ ओकेशन पे इनको अच्छी खासी बॉल मिली है जिनके थ्रू ये आउट हुए हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट हैज बीन ब्रीदिंग फायर। 2 इनिंग खेले हैं सोनों ने अब तक, 8 विकेट है इनके नाम। टिम साउदी के नाम है 2 इनिंग में 4 विकेट। लिस्टर पिछला गेम खेले 3 विकेट लेकर गए। रचिन रविंदर 3 इनिंग में 3 विकेट है एंड लॉकी फर्ग्यूसन भी 2 इनिंग में 2 विकेट पिक कर चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों अब इन प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स की तो इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करें तो डेविड मलान इस वेन्यू पर इनका एवरेज देखोगे तो 33.77 का है। ये 2-5 इनिंग का नहीं है, पूरे 43 इनिंग्स खेले हैं यहाँ पर। 1351 रन है इनके पास, 553 रन इस वेन्यू पर, और फिर से यहाँ पर अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छे खासे कैप्टनसी कैंडिडेट भी बन सकते हैं। जो रूट यहाँ पर 9 इनिंग में 376 रन बना चुके हैं, बेयरस्टो के नाम है 7 इनिंग में 376, बट रूट एंड बेयरस्टो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों का सॉर्ट ऑफ नॉट गेटिंग एनीवेयर एज फार एज रन आर कंसर्न। देखते हैं क्या इस आखिरी ओडीआई में क्या ये रन बना सकते हैं। बटलर यहाँ पर 3 इनिंग में 321 रन बना चुके हैं, जबकि बेन स्टोक्स के नाम है 9 इनिंग में 318 रन, यहाँ पर 45 के ऊपर का एवरेज जिसमें 250 शामिल है। इनके बोलर्स की बात करें तो क्रिस वोक्स के नाम है 10 इनिंग में 12 विकेट, जबकि आदिल रशीद यहां पर ले चुके हैं 9 इनिंग में 10 विकेट। डेविड विली भी यहां पर 5 इनिंग खेले हैं, 5 विकेट इनके नाम रही है, और इस गेम में हम उम्मीद करते हैं कि विली को फिर से मौका मिल जाए।
चलते हैं दोस्तों फटाफट अपनी बेस्ट टीम पे, बिकॉज बाकी सारे नंबर्स आपने देखे हुए हैं, आपको सब कुछ पता है। आखिरी गेम है इस 4 मैच सीरीज का, एंड होपफुली इस गेम में आप फिर से जीत कर अपनी सीरीज को एक हाई पर एंड कर पाओ। बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर हमने बेस्ट टीम में रखे हैं 2 प्लेयर्स, जॉस बटलर एंड डेवॉन कॉनवे। जॉस बटलर के मैचअप्स हम देखें वर्सेस द न्यूजीलैंड बोलर्स, तो टिम साउदी ने इनको 11 इनिंग में 4 बार आउट करा है, ट्रेंट बोल्ट ने 8 इनिंग में 2 बार, बाकी सैंटनर ने 7 इनिंग में 1 बार, फर्गुसन ने 3 इनिंग में 1 बार आउट करा है। डेवॉन कॉनवे की बात करें तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, सेंचुरी भी स्कोर करी है उसके बाद बाकी रन नहीं बने हैं, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड की तरफ से रन बनने हैं तो वहां पर कॉनवे का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जॉनी बेस्टो को हमने फिलहाल हमारी बेस्ट टीम में नहीं रखा है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इनको बैक करेंगे, बट बेस्ट टीम का हिस्सा ये नहीं होंगे। इनके मैचअप्स अगर आप देखो वर्सेस द न्यूजीलैंड बोलर्स, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंट बोल्ट के सामने स्ट्रगल करें, पिछले गेम में भी आउट हुए थे और कुल मिलाकर 9 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं ये ट्रेंट बोल्ट के सामने। मैट हेनरी के सामने 6 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं और लॉकी फर्गुसन के सामने भी 2 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, और यहाँ पर हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे 2 प्लेयर्स जो कि हैं डेविड मलान एंड बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो पिछले गेम में इनिंग खेलकर आ रहे हैं, लुक्ड इन गुड टच, इनफैक्ट एक गॉड लेवल इनिंग्स खेल के आ रहे हैं। डेविड मलान 2 इनिंग खेले हैं इस पूरी सीरीज में, अब तक दोनों में 50 स्कोर करी है, कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं और इस वेन्यू पर भी इनका एवरेज 33 के ऊपर है। इनके अलावा जो बाकी बैटर्स हैं वहां पर हम देखते हैं सिनेरियो वाइज किसको बैक कर पाए या ना बैक कर पाए। जो रूट के मैचअप्स हम देखें वर्सेस न्यूजीलैंड बोलर्स, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बोल्ट के सामने ये भी स्ट्रगल करें, 13 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं ये, सैंटनर के सामने 11 इनिंग में 3 बार और साउदी के सामने 14 इनिंग में केवल 1 बार ये आउट हुए हैं। इनके अलावा जो बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगते हैं वो होते हैं ग्लेन फिलिप्स एंड विल यंग। फिलिप्स को हम बैक करने की कोशिश करेंगे अगर न्यूजीलैंड चेस कर रही है, जबकि विल यंग को हम बैक करना चाहेंगे अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, अच्छे टच में रहे विल यंग। वी आर होपिंग कि कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा स्कोर कहीं ना कहीं ड्यू है। हेनरी निकल्स अगर आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो अपनी जीएल टीम्स के लिए, और इनके अलावा और कोई ऑप्शन हमने फिलहाल कंसीडर नहीं करा है। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर 2 प्लेयर्स जो हमारी बेस्ट टीम में पक्का रहेंगे उनमें आते हैं लियाम लिविंगस्टोन एंड डैरिल मिचेल। ये 2 प्लेयर्स को हम पक्का लेकर चलेंगे और ये हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज अबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट तो है ही, बोलिंग के थ्रू भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं फ्रॉम बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। इनके अलावा अगर आप देखो सैंटनर खेलते हैं तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो, इंग्लैंड के बैटर स्पेशली जो रूट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं सैंटनर के सामने, 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए, जबकि बेन स्टोक्स 11 इनिंग में 2 बार आउट हुए सैंटनर के सामने। मोइन अली एक इंटरेस्टिंग चॉइस है अगर आप देखो तो, बिकॉज न्यूजीलैंड के बैटर्स जो हैं वो ऑफ स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। टॉम लेदम 77 इनिंग्स में 21 बार आउट हुए हैं ऑफ स्पिन पे, टिम साउदी 21 इनिंग में 7 बार, हेनरी निकल्स 34 इनिंग में 6 बार एंड डैरिल मिचेल 16 इनिंग में 5 बार आउट हुए ऑफ स्पिन पे। मोइन अली बोलिंग भी कर रहे हैं आजकल, अगर आप चाहो तो उनको आप बैक कर सकते हो जब इंग्लैंड बोलिंग फर्स्ट कर रही है, पर देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस में क्या हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठते हैं। फाइनली आते हैं सैम करन, जो अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो जीएल टीम्स में, शायद हमारी स्मॉल लीग टीम्स में हम इनको मौका ना दे पाए। सेम गोज फॉर रचिन रविंद्र जो कि ओपनिंग गेम में 3 फॉर तो लेके गए बट उसके बाद काफी शांत रहे। चलते हैं बोलिंग सेक्शन में, और यहाँ पर 2 प्लेयर्स पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे, उनमें नंबर 1 पर आते हैं ट्रेंट बोल्ट एंड इंग्लैंड के बैटर्स के अगर आप नंबर्स देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस तो स्ट्रगल जायज है। जेसन रॉय 66 इनिंग्स में 22 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, रूट 72 इनिंग्स में 20 बार, बेस्ट ऑफ 48 इनिंग्स में 18 बार और बटलर 55 में 16 बार। बेन स्टोक्स भी आउट हुए 41 इनिंग्स में 14 बार, जबकि मोइन अली 35 इनिंग में 11 बार लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करें। इनके नंबर स्पेसिफिकली अगेंस्ट बोल्ट अगर आप देखोगे तो जो रूट 13 इनिंग में 5 बार आउट हुए बोल्ट के सामने, बेस्ट ऑन 9 इनिंग में 4 बार, बेन स्टोक्स 10 इनिंग में 3 बार, जेसन रॉय 9 इनिंग में 3 बार और जॉस बटलर 8 इनिंग में 2 बार। ब्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो पक्का हमारी टीम में रहेंगे एंड इनके साथ हमारी टीम में भी रहेंगे वो हैं क्रिस वोक्स। पिछले गेम में जैसी बोलिंग करी थी वो काफी बढ़िया थी, काफी उमदा बोलिंग करी थी एंड वंस अगेन वी विल बैक हिम टू कम गुड इन आर टीम्स। इनके अलावा जो बोलर्स खेलते हैं वहां पर हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पर रहेंगे रीस टोपली या डेविड विली, दोनों में से जो भी खेले। न्यूजीलैंड के बैटर्स के नंबर अगर आप देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस तो टॉम लेथम 55 इनिंग्स में 19 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, टिम साउदी 26 इनिंग में 10 बार, निकल्स 32 इनिंग में 8 बार, मिचेल सैंटनर 25 इनिंग में 5 बार, कॉनवे 19 में 4, फिन एलन 15 में 4 और ग्लेन फिलिप्स भी 8 इनिंग में 4 बार आउट हुए। तो यदि विली टोपली दोनों में से जो भी खेलते हैं हम उनको पक्का कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। टिम साउदी होपफुली इस गेम में कमबैक करने चाहिए एंड इंग्लैंड बैटर्स के मैचअप्स अगर आप देखो वर्सेस टिम साउदी तो जॉस बटलर को इन्होंने 11 इनिंग में 4 बार आउट कराए, मोइन अली को 4 इनिंग में 2 बार, जेसन रॉय को 10 में 1 और जो रूट को भी 14 इनिंग में 1 बार आउट कराए। टिम साउदी खेलते हैं स्पेशली बोलिंग फर्स्ट, एक काफी इंटरेस्टिंग चॉइस रहेंगे जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। लॉकी फर्गुसन भी अगर खेलते हैं फर्स्ट इनिंग्स में तो डेथ में बोलिंग करने की गुंजाइश रखते हैं और इंग्लैंड के बैटर्स के नंबर्स अगर आप देखो वर्सेस फर्गुसन तो बेस्टो को 2 इनिंग में 2 बार आउट कराए, वोक्स को 2 इनिंग में 1 बार, हैरी ब्रुक को 1 इनिंग में 1 बार और जॉस बटलर को भी 3 इनिंग में 1 बार फर्गुसन ने आउट कराए। इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखो तो आदिल रशीद अगर खेलते हैं तो एक्साइटिंग ऑप्शन बन सकते हैं। न्यूजीलैंड के बैटर्स के नंबर्स आप देखो वर्सेस लेग स्पिन तो वहां पर टॉम लेदम 58 इनिंग्स में 14 बार लेग स्पिन पे आउट हुए,
टिम साउदी 23 इनिंग में 7 बार, हेनरी निकल्स 35 में 6 बार, मैट हेनरी 10 में 6 बार और मिथ सैंटनर 25 इनिंग में 5 बार आउट रहे। विल यंग भी लेग स्पिन पर स्ट्रगल करें, 11 इनिंग में 4 बार अपनी विकेट दे चुके हैं लेग स्पिनर्स को। इनके नंबर स्पेसिफिकली आप देखो वर्सेस आदिल रशीद तो आपको नजर आएगा कि मिथ सैंटनर 8 इनिंग में 3 बार आउट हुए रशीद के सामने, बाकी सारे बैटर्स एक एक बार तो आउट हुए, नंबर ऑफ इनिंग्स थोड़ी सी वेरी करी है। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन जहां पर हमने देखा है बेन लिस्टर भी पिछली गेम में खेले 3 विकेट लेकर गए, गस एटकिंसन उन फेजेस में बोलिंग कर रहे हैं जहां पर हम उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये ज्यादा विकेट्स लेकर जाएंगे। सिमिलरली काइल जेमिसन भी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिलहाल तो नहीं बैठते। अब देखते हैं दोस्तों सिनेरियो वाइज एनालिसिस और वहां पर देखते हैं कौन हमारी टीम में आ सकते हैं। बेस टीम तो अपनी सेट है, वहां पर हमने 8 मेंबर बेस टीम बनाई है जहां पर हमारे पास 2 कीपर, 2 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 2 बोलर है। अब देखते हैं सिनेरियो जहां पर न्यूजीलैंड बोलिंग फर्स्ट करती है, इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रन बनेंगे एंड जॉनी बेयरस्टॉ को विकेट कीपिंग सेक्शन में हम फिर से एक मौका देंगे कि हमारी टीम में वो रहकर कुछ कर पाए। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हम यहां पर ग्लेन फिलिप्स को बैक करेंगे, विलियम को बैक नहीं कर रहे हैं चेस करते हुए। ऑलराउंडर्स में नो न्यू एडिशन, जबकि बोलिंग सेक्शन में हम लेकर जाएंगे टिम साउदी को इफ ही इज प्लेइंग और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो खेलेंगे। यदि टिम साउदी नहीं खेलते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि लॉकी फर्गुसन को बैक करें या बेन लिस्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड बोलिंग फर्स्ट, वहां पर विकेट्स आने चाहिए। चलते हैं अब सेकंड सिनेरियो में जहां पर इंग्लैंड बोलिंग फर्स्ट कर रही है और यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में हम कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग विद बटलर एंड कॉनवे, बट बैटिंग सेक्शन में अपार्ट फ्रॉम स्टोक्स एंड मलान हम विलियम को बैक करेंगे बैटिंग फर्स्ट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अच्छे टच में है, इनके रन ड्यू है एंड यहां पर वो बनने चाहिए। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखोगे तो मिचेल एंड लिविंगस्टोन तो हमारी टीम में थे पर यहां पर बोलिंग फर्स्ट मोइन अली को भी हम बैक करना चाहेंगे बिकॉज हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके पास विकेट्स आ सकती हैं एंड न्यूजीलैंड के बैटर्स की वीकनेस अगेंस्ट ऑफ स्पिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोलिंग सेक्शन में अपने पास बोल्ट हैं, अपने पास बोक्स हैं और यहाँ पर हम टोपली और विली दोनों में से जो भी खेलते हैं उनको हमारी टीम में बैक करेंगे। दोस्तों हमने बेस टीम्स तो देख ली सिनेरियो वाइज क्या बनती है अभी हमारी टीम और अब देखते हैं कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी चॉइसेस क्या बनते हैं। अगर यहाँ पर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो आपके लिए सेफ कैप्टेंसी चॉइस में या बटलर, स्टोक्स या मलान की तरफ जा सकते हो एंड वाइज कैप्टेंसी के लिए आप बैक कर सकते हो डैरिल मिचेल को या बैक कर सकते हो ट्रेंट बोल्ट को। यदि न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो आपके लिए सेफ कैप्टेंसी चॉइस में कॉनवे, डैरिल मिचेल ये 2 प्लेयर हो सकते हैं एंड देन वाइस कैप्टेंसी के लिए आप कंसीडर कर सकते हो फिर से मलान को या आप जा सकते हो क्रिस वोक्स की तरफ भी। अगर आपको हटके कुछ चेक करना हुआ और एक डिफरेंशियल कैप्टेंसी चॉइस चाहिए तो लियाम लिविंगस्टोन भी एक एक्साइटिंग ऑप्शन बन सकते हैं। तो जैसे हमने हमेशा कहा दोस्तों कि ये हमारी बेस्ट टीम्स थी, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही और आपको मिल जाएगी मैच रिलेटेड जो भी इनसाइट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और इसके पहले ही बस होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम, इसका प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा हमारी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फाइनल फैंटेसी टीम्स भी, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी गेम्स हो, सारों के सारों की फाइनल फैंटेसी टीम्स आपको मिलती रहेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।